वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। अपोजिशन के टीओआर पर मुशावरत की जा रही है। कानूनी टीम वज़ीर-ए-आज़म और के टीआरओ से मुतालिक ब्रीफिंग दे रही है। इस बारे में बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर, बताइए इजलास में कौन कौन शरीक है और क्या तय किया जा रहा है? जी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एक गैर रस्मी इजलास जो है वो पनामा लीक्स के हवाले से इस वक्त जारी है। और इजलास में अहम वफाकी वज़रा जिनमें ख्वाजा साद रफीक, इसादार, चौधरी निसार और दीगर शामिल हैं। और इस इजलास में जो हुकूमत की कानूनी टीम है जिसका जिसमें वजीर कानून, वजीर मुमलिकत बराए कानून और दीगर शामिल हैं, वो हुकूमत अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को भेजे गए जो टी ओ आर हैं उनका जायजा ले रहे हैं और उनके हवाले से जो लीगल पॉइंट हैं उन पर इजलास को ब्रीफ कर रहे हैं। इजलास में एक अहम फैसला मुतवक्के है कि जो वजीर आजम ने कमेटी बनाई है अपोजिशन से मुजाकरात के लिए, वो जवाबी खत लिखेगी सईद खुर्शीद शाह को या फिर मुलाकात के लिए जो है वो उनसे राबता करेगी। और इस तरह दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन है इनके दरमियान मुजाकरात का बाकायदा सिलसिला जो है वो शुरू होगा और हतमी और मुत्तका। शुक्रिया बशीर चौधरी।